नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में प्रदेश का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर जो है वो बनकर के तैयार हो गया है। इस मंदिर की हम अभी इस वक्त इसी मंदिर में खड़े हैं जो कि बुद्ध मार्ग में स्थित है। और सबसे ख़ास बात यह है कि 3 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम चलने वाला है। उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो चलने वाला है। इस मंदिर की कुछ खास बातें आपको बता दें कि ये मंदिर का निर्माण काफ़ी दिनों से चल रहा था। 100 करोड़ की लागत से ये पूरा का पूरा मंदिर जो है वो बनाया गया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 100 करोड़ की लागत से ये पूरा मंदिर बनाया गया है। और प्रसिद्ध ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर के तर्ज पर इस मंदिर का भी निर्माण 84 खंभों पर किया गया है, यानी कि 84 पिलर्स इस मंदिर के अंदर है। देखिए, 84 पिलर्स का अपना एक काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व है। कहते हैं कि इस ऐतिहासिक 84 खंभों की परिक्रमा कर लेने के बाद में इंसान जो है वो अपनी 84 जोनी से पार पा लेता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर इस मंदिर में है। कई चीज़ें हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट इसके अंदर है। और एक और ख़ास बात आपको बताएं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के खानदान ने किया है। ताजमहल जो मशहूर आगरा में स्थित है, उन्हीं के जो कारीगर लोगों ने जिसको बनाया था, ताजमहल को बनाया था, उसी खानदान के कारीगरों ने इस मंदिर का भी निर्माण किया है। आपको इस पूरे मंदिर का दर्शन कराएंगे। फिलहाल चलते हैं यहाँ के लोगों के पास में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास आज आयोजन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ में देखिए जेडीयू के नेता हैं, छोटू सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि इस मंदिर के बारे में आप भी दर्शन करने के लिए आए? नहीं, इस मंदिर में मैं आजीवन सदस्य हूँ और मैं यहाँ विगत 1994 से इस्कॉन परिवार के साथ मैं हूँ। सबसे पहले राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने ही यहाँ शिलान्यास किया था। और आज बिहार के लिए गर्व की बात है कि आज उन्होंने 7 बजे उद्घाटन करेंगे। और यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं कृष्ण कृपा दास जी और इनके सारे जो टीम हैं, यहाँ कुछ नहीं था, एक करकट का रूम था। और आज जो भव्य, कल भी महाराज लोग लंदन, फ्रांस, अमेरिका से लोग आए हुए हैं, न जाने दिल्ली, मुंबई, सारे लोग आ के अंदर प्रभु जी को कहा कि पूरे भारत का दूसरा ये मंदिर पटना, पाटलिपुत्र, बिहार, पहले बिहार क्या था, आज बिहार के लोग चाहे सिख समाज का हो, चाहे इस्कॉन परिवार का हो, बाहर में कुछ, जब बिहार आ जाते हैं आप ही लोग के बदौलत, मीडिया के चलते लोग कहते हैं कि सही में बिहार बिहार है, हर लोग खुश हो जाते हैं। जहाँ 0 था, आज देखिए अद्भुत मंदिर। सिर्फ मंदिर ही नहीं है, गरीब अमीर सभी लोग के लिए, शादी ब्याह के लिए हॉल भी है, गोविंदा रेस्टोरेंट भी है, 80 गो पूरा एयर कंडीशन गेस्ट हाउस है। तो बिहार के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सारे बिहारवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पटना के हर जगह यहाँ से पैदल आप स्टेशन भी जा सकते हैं। यहाँ से बगल में एयरपोर्ट, बगल में बस स्टैंड, बगल में गांधी मैदान, बगल में म्यूजियम, बगल में PMCH, बगल में गांधी मैदान, अब बगल में हरे रामा हरे कृष्णा कीजिए। इतना अच्छा मंदिर लग रहा है, 3 दिन से हम लोग सारा दुनिया को छोड़ के इसी परिवार, इस्कॉन परिवार के साथ हम लोग हैं। और मैं आजीवन यहाँ सदस्य हूँ और मैं डेली दर्शन करता हूँ, क्योंकि मेरा भी घर सामने है, बगल में, तो मेरे लिए और खुशी की बात है। इसलिए मैं यहाँ के सारे पुजारियों को और अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं कि इन्होंने इस मंदिर के सारे पुजारियों को बहुत सहयोग किए। इन्हीं मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग भी रात दिन यहाँ मेहनत करके बाबा के हर सुख दुख में साथ दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार के लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये जो मंदिर है वो एक तोहफा है। सारी चीज़ें नज़दीक में, जो सुविधाएं हैं, जैसे कि बताया इन्होंने, छोटू जी ने बताया कि सारी तमाम तरह की सुख सुविधाएं इस मंदिर के अंदर है। और जहां पहले कुछ नहीं था वहां मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। पुजारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहेगा प्रोसेस, हर दिन किस तरीके से पूजा वगैरह कराई जाएगी? जी, हर दिन सुबह से हमारा
सुबह से मंगला आरती सबसे पहला होता है, उसके बाद अनवरत पूजा 1 बजे दिन तक चलती है, उसके बाद विश्राम के लिए भगवान को 1 से 4 तक ये रखा जाता है, फिर 4:30 से मंदिर खोल दिया जाता है, 6:30 में हमारा कीर्तन होता है, भजन होता है, 8 बजे फिर मंदिर को बंद कर दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम रहेगा वो हर दिन ऐसे ही रहेगा? आम पब्लिक आके दर्शन? जी मैं इसके एक एक्सटेंशन सेंटर बिहार शरीफ का इंचार्ज हूँ, वहाँ इस मंदिर के तहत मैं 5 प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जैसे बिहार में पहला गुरुकुल वैदिक गुरुकुल इस्कॉन का बिहार शरीफ में बन रहा है, वहाँ कृषि फार्म, गौशाला, पंचगव्य चिकित्सा केंद्र, 5 ये मंदिर, 5 प्रोजेक्ट वहाँ मेरे अंडर में बन रही है, मैं वहाँ संचालित कर रहा हूँ। तो चलिए तमाम बातें आपने जानी, अब आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। Krishna, 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 Krish